समाचार जगत से वही हमें बहुत अच्छा टॉपिक है सवालों की संस्कृति। ये लाइफ सवालों की संस्कृति शायद इसलिए कि किसी लैंडिंग की लाइन होगी, शायद लोकतंत्र की स्थापना इस लाइन के बाद हुई होगी, ऐसा मेरा सोच है। जहां तक संस्कृति की बात है, आज संस्कृति की बात हम करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान लोकतंत्र दोनों का पहले से नहीं हो पाता, क्योंकि संविधान में तो कोई खामियां नहीं रही होगी, पता नहीं। परसों के संविधान लिखा, बाबू साहब ने लिखा, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, अच्छा अपने अपने क्षेत्रों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वर्तमान में संविधान सम्मान सामाजिक व्यवस्थाएं इन चीजों पे अचानक हुए हमले ने आज मजबूर कर दिया कि सवाल की संस्कृति जैसे टॉपिक पर विषय पर कुछ चर्चा की जाए, क्योंकि ये भी देखने में आ रहा है सच बोलने वाला वर्तमान में गुनाहगार। चलिए पहली व्यवस्था ये थी, हमने ये देखा अंग्रेजों के शासन में शहीद भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर साहब और जो भी कोई साहब रहे जिनका इस देश के आजादी के लिए बेहतर व्यवस्था बिठाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है, जिसका हम गाहे बगाहे आज भी गुणगान करते हैं। लेकिन हमें यह सोचना होगा कि उस पीरियड में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। अब बात आ रही है सवालों की संस्कृति, सवाल यह है उस दौर में अगर शहीद भगत सिंह गुनाहगार थे तो उन्हीं को सजा दी गई, अगर राजगुरु गुनाहगार थे तो उन्हीं को सजा दी गई, जो भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जो भी गुनाह किए थे वो ही भागीदार है, सजा के भागीदार है। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा रहा है कि दूर के रिश्तेदारों को भी नचेटा जा रहा है अगर उसे बोल रहा है तब भी, तो ये सवाल की संस्कृति बड़ी बहुत गंभीर विषय है और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन अब जहां सवालों की फुल स्टॉप है और संस्कृति का ताना माना, तो हमारा रूढ़िवादी सिस्टम अच्छा था, आज अगर पीछे देखते हैं वर्तमान में देखते हैं सब कुछ तहस नहस हो गया। इसका सोल्यूशन ये भी क्रांतिकारी लाइन है, एक क्रांति की जरूरत पड़ेगी और वो क्रांति युवा से शुरू होती, भगत सिंह साहब, राजगुरु साहब, ये युवा शक्ति थी कुछ कर गुजरने का मादा था। ऐसी बात नहीं है कि आज का युवा भी कोई क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, लेकिन ये देखने में आ रहा है आज का युवा बेरोजगारी से गुजरा है, या तो उसको उस तरफ मोड़ दिया गया है, उस मोड़ पे ले जाया गया है। ये समझ में नहीं आता कि रास्ता कहां से निकलेगा, चिंगारी कहां से निकलेगी। अभी वर्तमान हालत जब न्याय व्यवस्था कौन चलिए सब आप लोग जान रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, टीवी डिबेट्स देख रहे होंगे, तो एक ये लाइन है सवालों की संस्कृति, इसमें डीपली जाना पड़ेगा और युवाओं की भागीदारी उसमें नितांत आवश्यक होगी। युवा ही देश का निर्माता है, भागीदार है, अगर वो सर्विस में जा रहे हैं तो वो भागीदार है, एजुकेशन में जा रहे हैं तो वो भागीदार है,
ट्रांसपेरेंसी वही निकलेगी, वही देखने को मिलेगी। अब विषय तो है लेकिन अस्पताल में पहले हम देखते थे, अस्पताल में इलाज करवाने जाते थे तो सांकेतिक बोर्ड लगे होते, एक नर्स एडमिन साइलेंसी थी एंट्री होने वाला हॉस्पिटल में जाने वाला, वो बोर्ड देखती ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाता था। क्यों प्रोफेसर एम आई राइट सर जी, देखते मैसेज मैसेज और साइलेंसी अस्पताल में साइलेंसी देना जरूरी है। तो इस टाइप का कोई मैसेज हो तो बुद्धिजी वर्ग से निकल सकता है। मैं आशा करता हूँ, मुझे बहुत उम्मीद है, पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि आज सवालों की संस्कृति का उद्घाटन के रूप में आशीर्वाद होते नेक्स्ट में इंशाल्लाह और चीजें भी और रहने भी सामने आएंगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।